स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल स्टूडेंट हिंदी कक्षा 12। तो क्लास 12 में कथा साहित्य के अंतर्गत ये जो कहानी आता है ये 4 नंबर का आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, कोई ना कोई इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर या फिर कहानी ही दे दिया जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं खून के रिश्ते कहानी का व्याख्या। धन्यवाद बच्चों। एक कहानी देखिए, खून का रिश्ता, ये 4 नंबर की कहानी आती है। इसको भीष्म साहनी द्वारा एक कहानी लिखी गई है, खून का रिश्ता। और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दहेज उन्मूलन, मानवता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने आदि पर जो है बल दिया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता का भाव संचारित करता है। अब कहानी का सारांश है कि वीर एक पढ़ा लिखा यमे पास एक लड़का है जो अपनी सगाई में दहेज उन्मूलन को दूर करना चाहता है, तो अपने शादी में जो है 125 रुपये से करना चाहता है। तो उसके पिता उसके खिलाफ बात करते हैं, तो वीर जी कहता है कि हमारी शादी जो है 125 रुपये में होगी, इससे अधिक नहीं होगी और मेरे शादी में सिर्फ आप जाएंगे। तो उसके पिता जो है बहुत नाखुश होते हैं और कहते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे। तो अंत में वीर जी कहता है कि आप चाचा को लिवा करके शादी कराने जाइए। तो वीर जी के पिता जो है उसके चाचा मंगल सेन को लेकर के शादी कराने जब जाते हैं, तो वहाँ शादी में जो है 3 चांदी के चम्मच और 3 चांदी के कटोरी मिलता है। तो वीर जी का जो साला है वो पैक करते समय जो है 1 चम्मच छोड़ देता है, और जब उसके चाचा मंगल सेन पैकिंग करा करके जब घर आते हैं तो उसकी माँ आंगन में जब खोलती है तो देखती है कि उसमें 3 कटोरी है लेकिन 2 चम्मच है और 1 चम्मच गायब है। तो उसकी माँ जो है कहती है कि मंगल सेन जो है वो चोरी कर लिया, 1 चम्मच निकाल दिया है। और उसके ऊपर जो है आक्रोशित होती है, बार बार जो है कहती है तुम चोर हो। तो मंगल सेन जो है बहुत दुखी होता है और वो खाट पकड़ लेता है। तभी जो है वीर का साला चम्मच लेकर के आ जाता है, कहता है कि बाबूजी हम पैकेट करते समय जो है 1 चम्मच हमसे भूल गया था और वो चम्मच हम लेकर के आए हैं। तो इतना सुनकर वीर की माँ जो है वो अपने को अफसोस करने लगती है कि हम जो है अपने देवर पर जो है झूठे इल्ज़ाम लगाया, ये जो है कि चम्मच वो चुराए नहीं थे बल्कि वहीं छूट गया था। तो इस कहानी का यही सारांश है और शेष विस्तार आप बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।